Hey guys, I'm Shuchi and welcome to India Glitz Bollywood. Big Boss के घर में पहले ही हफ्ते से हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया है, जहां एक तरफ हाउसमेट्स ने घर में रह रहे कई मेंबर्स को एलिमिनेशन राउंड के लिए नॉमिनेट किया, तो वहीं कई मेंबर्स को घर के काम ना करने के लिए पनिशमेंट भी मिला। कंटेस्टेंट्स घर के राशन और ब्रेकफास्ट से लेकर तो कई चीजों पर लड़ते नजर आए। निमृत कौर अहलूवालिया को एज अ कैप्टन कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है घर को मैनेज करने के लिए। वहीं बिग बॉस ने साजिद खान को एक कॉमिक एक्ट प्रिपेयर कर घर वालों के सामने परफॉर्म करने के लिए कहा। व्हेन साजिद परफॉर्मड हिज एक्ट, मेजॉरिटी ऑफ कंटेस्टेंट्स गेव थम्स अप, बट अ फ्यू ऑफ देम इंक्लूडिंग शालीन एंड प्रियंका डिड। बिग बॉस ने साजिद को ये जिम्मेदारी दी कि वो घर में सबको राशन देंगे। साजिद ने सारे चिकन के पैकेट्स शालीन को दे दिए ड्यू टू हिज मेडिकल रीजंस। वहीं बिग बॉस ने बताया कि शालीन ने अपनी चिकन डाइट के लिए झूठ बोला था एंड इट वाज एन एक्ट ऑफ कायरता। टीना दत्ता अब्दू रोजिक को टीज करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। इस बार टीना ने अब्दू को कैंडल लाइट डिनर पे चलने के लिए कहा तो अब्दू ब्लश करने लगे एंड सेड नो टू हर। वहीं शालीन और सुम्बुल की बॉन्डिंग देख मान्या अर्चना को बोलती है, यहाँ सबको सिद्धार्थ और शहनाज बनना है। रैपर MC स्टैन शो के अंत में रिवील करते हैं दैट ही इज प्लानिंग टू लीव द शो। बता दें कि एलिमिनेशन राउंड के नॉमिनेशन में कई लोगों ने गौरी नागौरी, MC स्टैन और अर्चना का भी नाम लिया, पर ज्यादातर लोग और ऑडियंस भी अब्दू और MC स्टैन को पसंद करते हैं। वेल, देखते हैं कि आने वाले एपिसोड में क्या होगा और MC स्टैन ने ऐसा क्यों कहा कि उन्हें बिग बॉस के घर को छोड़ना है। तो बिग बॉस सीजन 16 से जुड़ी सभी लेटेस्ट खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया ग्लिट्स बॉलीवुड से। प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल इफ यू हैवंट येट। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम।